हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ मैथ कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 का आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, चौथा पाँचवा और छठवा क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप इनको ध्यान से देखिए, करना क्या है, वही सेम प्रोसेस कि ये शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब शांत और अशांत बताना है हमको। बेसिकली बस शांत है कि अशांत है इसका दशमलव प्रसार, वही बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट कि जो नीचे वाला है हर यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसको गुणनखंड करो, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अगर उसमें 5 और 2 मिलते हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, वरना अगर 5 और 2 के अलावा अगर कोई और तीसरा दिखा तो समझ लो वो आसान दशमलव प्रसार होगा। आइए इसको एक क्वेश्चन लगाते हैं। पहला इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो मैं इसको 2 से करूंगा तो 2 8 16 0 0 उतर गया, फिर से 2 4 8 0 0 उतर गया, फिर 2 2 4 0 0 उतर गया, फिर 2 1 2 0 0 उतर गया, फिर 2 5 10 0 उतर गया, फिर 2 25 में मतलब 25 दूना 50, फिर 5 से करेंगे इसको 5 25 5 से करेंगे इसको 5 5 खत्म हो गया। तो इतना तो करना आता होगा ना, इतना इजीली है ये, एकदम नॉर्मल सी बात है, आपको इतना आता होगा, बहुत ही बेहतरीन। मतलब आपको आप लोग 10 में पहुँचे गुणनखंड करना तो बहुत आसान होगा आपके लिए। तो भैया देखो, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ये हैं, लेकिन इसमें केवल क्या क्या है, 2 है और 5 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 2 है, 2 6 बार है और 5 2 बार है, इसलिए मैंने ऐसे पावर में लिख दिया। तो ये देखो, हमने ये स्टैंडर्ड रूप बताया था 2 की पावर n × 5 की पावर m, मतलब 5 की पावर m, ठीक है। इस रूप का अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड हर में होता है तो वो संख्या कैसी होती है, तो शांत होती है। ये कौन सा है, शांत। अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, अब ये आपको ऐसे लिख लेना, ये 2 to the power 6 और 5 to the power 2 के रूप का है, अतः यह संख्या शांत है, बस इतना लिख देना आपको। आइए इसको देखें, इसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। तो देखो, ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली है, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी, 7 से कटेगी। तो 7 4 28, 6 इधर जाएगा 63 होगा, 7 9 63, ये 7 7 49, 7 1 7, ये तो भैया इतना हुआ। तो इसमें तो 7 की पावर 3 है। मैंने कहा था हर में केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, बस 2 और 5 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ तो 7 आया है, मतलब 2 और 5 से मेल ही नहीं खा रहा बिल्कुल। तो ये संख्या कैसी है, अशांत है। भैया आप भी ऐसा ही करना, अशांत। आइए अब इसमें क्या करना है, इसमें तो ये तो बेहद आसान है, ये तो एकदम दे रखा है तुमको, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप का ये वैसे ही दिख रहा है, 2 to the power m और 5 to the power n के रूप का आपको दिख रहा है। तो यह संख्या तो शांत है, आप इसको ऐसे आँख मूंद के बता सकते हैं, और अगर चाहें तो लिखना चाहे तो लिख दें, क्योंकि यह संख्या या परिमेय संख्या, या फिर ऐसे कह लें या फ्रैक्शन या भिन्न, यह संख्या जो है में हर में 2 to the power n, मतलब इसको n कह दें, × 5 to the power m के रूप का है, अतः यह शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ना कराऊँ, लेकिन क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं इसलिए मैं कराऊंगा जरूर, क्योंकि बुक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, तो मैं पूरा ही करा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो अभी मैं इतना क्वेश्चन करा के छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में मेरी अगली वीडियो देखना आप, उसमें मैं इसके आगे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।